सेक्शन सी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स का ए पार्ट देखिए यहां पर इफ एक्स इंटू कॉस पी प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस कॉस पी इंटू साइन पी प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो तो हमें यहां पर डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करना है टू प्रूव प्रूव करना है कि पी p डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्र पी प्लस वाई अब डी वाई बाई डी डी एक्स निकालना कोई टफ टास्क नहीं होता अगर आपका फंक्शन थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाए अगर आपने डायरेक्टली इसे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आंसर कभी मैच नहीं होगा अब आप समझें यहां पर ज़्यादातर वैल्यूज आपकी वाई में है और केवल एक एक्स आपका जो है दे रखा है जनरली ऐसा होता है कि एक वाई होता है और पूरा फंक्शन एक्स में होता है यहाँ रिवर्स है तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए इसको इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस का कॉस पी साइन पी प्लस वाई और ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस पी प्लस वाई दिस इज एक्स आ गया अब अगर हम एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट कर दें और फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो यहां पे एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस कॉस पी टेन पी प्लस वाई इसको नाम दे दो फर्स्ट डिफ्रेंसिएटिंग फर्स्ट ऑन बॉथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई तो x का हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई माइनस कॉस पी तो कॉन्स्टेंट है बिकॉज p इज कॉन्स्टेंट तो ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट हो गई इसका हो गया सेक्स p प्लस वाई पी का जीरो y का वन तो यहां पे आ गया डी एक्स ओवर डी वाई माइनस का कॉस p अपॉन ओके okay, इसका रिवर्स कर देते हैं इसका रिवर्स कर दीजिए इसका रिवर्स कर देंगे तो ऑन रेसिप्रोकल पे आ जाएगा माइनस का वन अपॉन कॉस पी इसको तो इधर ले आइए तो यहां पे हो जाएगा आपका दिस इज हाँ यहां पर हमें प्रूव करना है कॉस पी को इधर ले आइए कॉस पी डी वाई बाई डी एक्स और ये ऊपर जाकर के कॉस बन जाएगा कॉस स्क्यर पी प्लस वाई अब यहाँ पर आप चेक करें तो जो टर्म हमें प्रूव करनी थी वो हमने बना दी है हमें चाहिए था कॉस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस स्क्र पी प्लस वाई तो ये वैल्यू तभी बन सकती है जब आप इसे वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंसीशन तो एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो जाएगा लेकिन आंसर मैच नहीं होगा वहाँ कुछ अलग वैल्यू आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तभी आपका जो प्रूव करने वाली टर्म है यहाँ पर बन सकती है